देखिए, पिछले लगभग 28 दिन से आसपास गांव के लोग इस कट के लिए अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। सभी गांव के बड़े मौजूद लोग हैं और अपना किसान का बड़ा कीमती समय, जहां मजदूर नहीं मिल रहा 5-5, 7-7 हज़ार रुपए के अंदर भी, और वो अपना समय निकाल करके एक जनता की जायज़ मांग के लिए लोग बैठे हुए हैं धरने के ऊपर। और मुझे पहले भी आने का मौका मिला, अखबारों के माध्यम से भी हम लोग रोज़ पढ़ रहे हैं, बहुत से साथी आए हैं, जनप्रतिनिधि भी आए हैं, सांसद महोदय भी आए हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा ठोस आश्वासन नहीं मिलने की वजह से धरना लगातार चल रहा है। मैं समझता हूँ कि जो भी लोग सरकार में आज बैठे हैं, उनका ये दायित्व बनता है कि सरकार किससे बनती है, जनता से बनती है, जनता बनाती है। और अगर कोई ऐसी कमी रह गई है रोड बनते हुए, ये कट पहले नहीं दे पाए और आज जायज़ मांग है, और हमने वो वीडियो सुना जहाँ खुद केंद्रीय मंत्री माननीय गडकरी जी अपने जबान से कह रहे हैं कि हमने सेलंग बागौत का कट मंजूर किया है, और इतनी बात होने के बावजूद भी अभी देरी लग रही है, तो मैं समझता हूँ सरकार इस बात पर पूरा ध्यान नहीं दे पा रही है। मैं भी अपनी तरफ से एक पूर्व जनप्रतिनिधि होने के नाते से और भाइयों का एक बीच में मेंबर होने के नाते से, इनका साथी होने के नाते से, सरकार से यही मांग करता हूं कि शीघ्र अतिशीघ्र इस कट की मंजूरी दे, ताकि आसपास के गांवों को फ़ायदा मिल सके। और सही मामले के अंदर हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, लेकिन ये है कि ये जायज़ मांग है और सरकार को ये मांग माननी चाहिए। आसपास बागौत गाँव है, एक बहुत बड़ा, हमारा भगवान शिव में आस्था रखते हैं, तीर्थ है हमारे लिए, समझ लाखों लोग यहाँ आते हैं, कांवड़ चढ़ाते हैं, और आसपास का जो सोलिया, तो केंद्र सरकार को चाहिए कि हम लोगों की जायज़ मांग को देखते हुए, किसान भाइयों की, ग्रामीण भाइयों की, और ये जो बताया बागौत जो एक महान हमारा तीर्थ स्थल है, भगवान शिव में आस्था रखने वाले लोग हैं, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि सरकार इस पर तुरंत ध्यान देवे और आकर के यहाँ घोषणा करके काम स्टार्ट कराए जाए जिला प्रशासन को आदेश आ जाए, और जो भी उनको ज़मीन चाहिए और चाहिए, उसके लिए सहयोग के लिए सब लोग तैयार हैं, लेकिन ये बनना चाहिए और ये बन के रहेगा। यहाँ के लोगों ने फैसला कर रखा है और हम सब लोग इनके साथ हैं, चाहे आप एक महीने के अंदर बनाओ और चाहे 6 महीने के अंदर बनाओ, जब तक नहीं बनेगा मैं समझता हूँ लोग उठने वाले नहीं, खाली बातों से भी उठने वाले नहीं है, काम चाहते हैं और ये मानना चाहिए। और नहीं तो मैं समझता हूँ इस बात की मौजूदा सरकार को, चाहे वो हरियाणा की हो चाहे केंद्र की हो, भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लोगों में इस बात को लेकर गहरा रोष है, मैं तो यही कह सकता हूँ।